वो ये है कि अयोध्या में मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं जाएंगी उमा भारती, पूजन के समय सरयू घाट पर रहेंगी उमा भारती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने दावा किया, मेरे अनुरोध पर मेरा नाम सूची से हटाया गया है। उमा भारती कह रही है कि मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में वो मौजूद नहीं होंगी और उस समय सरयू घाट पर रहेंगी। नीरज हमारे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। नीरज, उमा भारती ने ये जानकारी ट्वीट कर अभी से कुछ ही देर पहले दी। उन्होंने कहा कि मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊंगी, क्या वजह है इसके पीछे? जी नीरज, हम आपको बताना चाहेंगे कि लगातार कंट्रोवर्सी चल रही थी, लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि उमा भारती को आमंत्रित ही नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं इसका कोई भी प्रमाण सामने नहीं आ रहा है। आज अभी थोड़ी देर पहले उमा भारती ने ट्वीट करके जानकारी दी कि कोविड को देखते हुए मैंने स्वेच्छा से अपना नाम वापसी लिया है। मैं अयोध्या में तो रहूंगी लेकिन सरयू के किनारे रहूंगी, भूमि पूजन में मैं शामिल नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं इसके इसके दो महीने निकाले जा सकते हैं। पहला महीना जो सूत्रों द्वारा खबर आ रही है कि उनको आमंत्रण ही नहीं मिला है। दूसरा, अब उमा भारती ने इसका खंडन करते हुए ट्वीट किया है, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जो ट्रस्ट है वो किस तरह से उमा भारती से बात करता है। उमा भारती की अगर बात करें तो लगातार उमा भारती बहुत ज्यादा अपने विचार प्रकट करती आई हैं राम मंदिर को लेकर। मीडिया के सामने तमाम बार राम मंदिर के समर्थन में काफी बयान देती आई हैं, जिसमें साफ तौर पर पता चला कि चलता चला आया है कि किस तरीके से राम मंदिर के लिए लगातार उन्होंने प्रयास भी किए और वो चाहती भी थी कि राम मंदिर का निर्माण हो, और इसके लिए तमाम बार उन्होंने मीडिया के सामने बहुत ही मजबूत बयान भी दिए हैं। ऐसे में उमा भारती का राम जन्मभूमि पूजा में शामिल ना होना कहीं ना कहीं काफी सवाल खड़े करता है। जी नीरज, हम आपको बताना चाहेंगे कि राम मंदिर के निर्माण में संघर्ष का जो दौर चला उसमें एक बड़ा चेहरा उमा भारती का था। मतलब जिस समय बाबरी मस्जिद टूट रही थी उस समय इन्होंने अपने बाल तक घुटवा लिए थे, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर इनका समर्पण पूरी तरह से था। अब ये बहुत बड़ी खबर है कि जिस संघर्ष में इन्होंने सहभागिता की, जिसके लिए इन्होंने सालों लगा दिए संघर्ष में, हर बड़े कार्यक्रम, रैली, हर तरह के बयान इन्होंने दिए, आज जब उसी की घड़ी आ गई, भूमि पूजन की घड़ी आ गई, तो ऐसे में नाम वापस लेना, इस तरह का ट्वीट करना कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।